नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो आज का शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है तृतीय, हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंधित। हिंदी के जो आधारभूत कौशल हैं, आधारभूत कौशलों के साथ में जो शिक्षण सूत्रों के बारे में भी इसमें अध्ययन हम करते हुए चलेंगे। साथ में हिंदी भाषा का अन्य विषयों के साथ में संबंध किस प्रकार से है, तो इस बात का भी अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है भाषाई कौशलों का महत्व। साथियों, कल के जो वीडियो व्याख्या में हमने भाषाई कौशलों के अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो भाषाई कौशलों का अर्थ क्या होता है, या यूँ समझे कि भाषाई कौशलों के अर्थ में हम भाषाई व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति बोलने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति उस बोलने वाले की जो शब्द हैं, भाव हैं, विचार हैं एवं उसकी संप्रेषणशीलता को उसी रूप में उसी भावों के अनुसार उसे ग्रहण करता है एवं उसको सुनकर उसी का प्रत्युत्तर देता है। तो उनके बीच में जो भाषा से संबंधित होने वाली जो अंतर्क्रिया है उसको हम भाषाई व्यवहार की संज्ञा देते हैं। तो साथियों, भाषाई व्यवहार वो है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक भाषा का जो व्यापार किया जाएगा वो भाषा व्यवहार कहलाता है। तो इस भाषाई व्यवहार के साथ में हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि भाषाई व्यवहार या कौशलों का जो महत्व है। भाषाई व्यवहार क्या है कि हमें बोलने का कौशल, हमें सुनने का कौशल, हमें पढ़ने का कौशल और अंत में हम सीखते हैं लिखने का कौशल। क्योंकि भाषा को हम जो अभिव्यक्त करते हैं, भाषा का जो आधार है, भाषा को सीखने का जो भाषा सीखने के जो तत्व हैं उनका जो आधार है वो भाषाई कौशल कहलाते हैं। इसमें सुनना, हम किसी भी भाषा को सुनते हैं फिर समझते हैं और समझकर उसका उत्तर देने का प्रतिक्रिया के रूप में उसका उत्तर देने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं, तो ये कहलाता है भाषाई व्यवहार। ये कहलाता है भाषाई व्यवहार, ये कहलाता है भाषाई व्यवहार। अब साथियों, एक बात ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाषाई कौशल क्या होते हैं, भाषाई कौशलों का विशेष महत्व है। तो भाषा के व्यवहार का उनके शिक्षण का अर्थ ये नहीं होता कि हम भाषा के उस विषय से संबंधित उसका शिक्षण कराया जाए, बल्कि भाषाई व्यवहारों का मतलब ये होता है कि भाषाई कौशलों का विकास करना है। भाषा के जो कौशल हैं चार, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इन कौशलों को किस प्रकार से या किन गतिविधियों के माध्यम से बालकों में उस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाए, संवर्धित करने का प्रयास किया जाए। तो ये चारों जो कौशल हैं भाषा के वो मैंने बताया था आपको। जो पहला कौशल है वो है सुनना, दूसरा है बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो चारों कौशल हैं हमारे सामने, इन चारों कौशलों के माध्यम से हम किसी भी भाषा के व्यवहार को, भाषा के ज्ञान को हम समझने की क्षमता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है कि भाषाई कौशलों का महत्व हमारे लिए किस प्रकार से है। एक मातृभाषा तो क्या होता है कि बालक अपने अपने जो परिवार से सीख लेता है, लेकिन भाषा का जब अन्य ज्ञान उसे प्राप्त करना होता है तो उस भाषा के अन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक को अपने कहीं ना कहीं उसे इन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन कौशलों के ज्ञान को सही रूप में एवं सही दिशा में ग्रहण करके बालक किसी भी भाषा के कौशल को सीखते हुए उस भाषा के ज्ञान तत्वों को हम वहाँ पर सीख सकते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए हमें कौशलों को सीखना आवश्यक होगा, क्योंकि भाषा की जो कौशल हैं वो भाषा की एक आधार स्तंभ है और आधार स्तंभों के बिना हम भाषा को
सही रूप में, सही भावों के साथ में, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन प्रतिदिन के व्यवहार में हम औपचारिक भाषा, जिसमें हम कहते हैं औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा या अनौपचारिक भाषा, जो वो भाषा है औपचारिक भाषा जिसमें हम जो मतलब विद्यालय में जब बालक प्रवेश करता है तो उसे व्याकरण संबंधी ज्ञान दिया जाता है और साहित्यों की विभिन्न विधाओं को पढ़ने और लिखने का उसे प्रयास किया जाता है। और एवं यदि साहित्य की विधाओं को लेखन कला का अभ्यास उसे नहीं कराया जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसे पढ़ना और पढ़कर समझने जैसी विधाओं का ज्ञान उसे उस पठन पाठन में मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में बालक को जो औपचारिक ज्ञान है, जो व्याकरण संबंध या सिद्धांतों संबंधित जो ज्ञान है वो औपचारिक ज्ञान है, और अनौपचारिक ज्ञान वो ज्ञान कहलाएगा बालक का जो बालक अपने दैनिक जीवन की मतलब दैनिक जीवन में जो भाषा का व्यवहार है या दैनिक जीवन में जो आम बोलचाल की भाषा है वो अनौपचारिक भाषा कहलाएगी। वो अपने साथियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में या फिर अपने आम बोलचाल की भाषा में वो ज्ञान को काम में लेता है, वो अनौपचारिक भाषा कहलाएगी। तो साथियों, हमने ये समझने का प्रयास किया कि भाषाई कौशल बालक के विकास में किस प्रकार से सहायक हैं। जब तक बालक का जो भाषाई कौशलों का विकास नहीं होगा तो बालक का जो सामाजिक विकास भी नहीं होगा, और जब बालक का सामाजिक विकास नहीं होगा तो बालक अपने समाज में एक प्रतिष्ठित पद को या बालक समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को एक कहीं ना कहीं एक हीन भावना से ग्रसित महसूस करेगा। तो बालक का भाषाई ज्ञान मतलब संवर्धित होना चाहिए, और बालक के भाषा ज्ञान को संवर्धित करने के लिए हमेशा हमें बालक भाषा की जो चारों आधारभूत कौशल हैं उन आधारभूत कौशलों को हमेशा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, हमने देखा कि भाषा बालक के सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं बालक के जो आधारभूत कौशल हैं वो एक सहायता पहुँचाते हैं। तो बालक के जो सर्वांगीण विकास है, इस सर्वांगीण विकास में हम कह सकते हैं उसका चहुमुखी विकास, तो उस चहुमुखी विकास में एक भाषा विकास भी एक ऐसा ही विकास का जो मार्ग है जिसको हमेशा विकसित करते हुए उसे सही ज्ञान में, सही दिशा में और सही समय के साथ में और सही कौशल के साथ में बालक को उस पर प्रयास या अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि बालक धीरे धीरे भाषा के ज्ञान को एक मजबूती के साथ में एक सही दिशा में उसे ग्रहण करें एवं भाषा को एक सही संपत्ति के रूप में अर्जित कर सके एवं अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति आदि को भी आगे बढ़ाने में एक मतलब पहल कर सके। तो साथियों, हमने समझा कि भाषा के कौशलों का जो महत्व है वो किस प्रकार से प्रत्येक बालक के लिए एक आवश्यक है। हम बालक के भाषा संबंधी ज्ञान, यदि बालक का भाषा संबंधी ज्ञान पुष्ट होता है, संवर्धित होता है, तो बालक उस भाषा संबंधी भाषा के आधारभूत कौशलों के ज्ञान के चलते वो अन्य विषयों का ज्ञान भी वहाँ पर प्राप्त कर सकता है। और बालक जब अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो मतलब उसका उस विषय का संबंध बालक के अन्य मतलब उस भाषा से संबंधित जितने भी विषय होंगे, जैसे अन्य विषय जितने भी मतलब अकादमिक विषय हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं उन कौशलों का उपयोग करेगा, और वो कौशलों का उपयोग ही उसे बालक में सफलता की ओर से उन्मुख करेगा। तो साथियों, हमने बिल्कुल ये समझने का प्रयास किया कि बालक के सर्वांगीण विकास में, उसके चहुमुखी विकास में या समाज में उसके एक प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति के लिए उसका भाषाई ज्ञान संवर्धित होना अति आवश्यक है। तो हम सभी शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व बनता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था में बालक के आधारभूत कौशलों को विकसित करें, उन्हें संवर्धित करें एवं अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम बालकों के भाषाई ज्ञान को कहीं ना कहीं पुष्ट करें, क्योंकि बालक के भाषाई ज्ञान ही बालक को सफलता की ओर उन्मुख करेंगे। और बालक के सफलता एवं असफलता का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं बालक के भाषा के आधारभूत कौशलों पर ही निर्भर करता है। इसलिए बालक की सफलताओं की
मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, बालक के सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें उसकी भाषाई संबंधी ज्ञान को संवर्धित, पुष्ट एवं मजबूत करना आवश्यक है। साथियों, आज के प्रसंग में हमने भाषा के जो कौशल है उनके महत्व के बारे में हमने समझा, और हम आज के वीडियो व्याख्यान में हम इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।